सभी समूह की दीदियों को मेरे तरफ से नमस्कार। आज मैं फिर एक वीडियो के साथ आपके सामने आई हूँ। स्वयं सहायता समूह की मालिक बनी समूह सखी। हाँ दीदी, आज मैं इसी बात पे चर्चा करने वाली हूँ। स्वयं सहायता समूह की मालिक बनी समूह सखी, क्या समूह बंद हो जाएगा? यही सारी बातें जो हैं आजकल मुझ पर कॉल बहुत आ रहे हैं। यही एक टॉपिक बहुत ही ज़्यादा आ रहा है कि जो है कि समूह सखी जो है दीदियाँ लोग, उनका काम तो बस इतना ही है कि वो समूह की बैठक कराएं, जो पिछड़ा समूह है, जो इसकी मीटिंग नहीं हो रही है, जो दीदियाँ समूह बंद कर रही हैं उनकी बैठकों में नियम से जाकर उनकी मीटिंग करवाएं। अगर रजिस्टर नहीं लिख पा रही हैं तो उनके लिखने की सहायता करें, उनकी मदद करें, ना कि रजिस्टर स्वयं अपने घर ले आएँ। तो इस बात पे सभी दीदियाँ ध्यान दें, रजिस्टर जो है समूह सखी को नहीं देना है, ना ही अपने समूह का पासबुक देना है। आज मैं इसी पे चर्चा करूँगी। तो ध्यान दें इस चीज़ को कि रजिस्टर और पासबुक जो है अपने समूह के अंदर ही रखना है और समूह की बैठक बराबर करते रहना है। अगर हमारी जो है आवाज़ कोई अधिकारी के पास पहुँच रही है या किसी ब्लॉक पे कोई अधिकारी सुन रहे हैं, तो इस बात पे थोड़ा ज़रा ध्यान दें कि समूह सखी ऐसा कोई भी कार्य ना करे कि समूह की गरीब महिलाएं परेशान हो जाएं, अन्यथा उनके साथ कड़ी कार्रवाई करने के लिए मैं भी आगे आ रही हूं। आप सुनिए कॉल रिकॉर्डिंग। हाँ हेलो दीदी, नमस्ते। नमस्ते। हाँ क्या बात है बताइए। बात ये है दीदी, समूह चल रहा तो मीटिंग और सब जैसे तीन होती हैं, सचिव, कोषा अध्यक्ष और अध्यक्ष। आप कहाँ से बोल रहे हैं पहले बताइए दीदी। हम बोल रहे हैं तेलियार से। अच्छा, तेलियार से बोल रही हैं। हाँ। और ब्लॉक कौन सा है? ब्लॉक रमिया बेहड़। अच्छा, जिला? जिला लखीमपुर। लखीमपुर। हाँ हाँ, आपके समूह का क्या नाम है? हमारे समूह का नाम है सौरभ सती। अच्छा, क्या दिक्कत है? दिक्कत यही है, समूह सखी जौन है वो किताब ले ली नहीं है। जो तीनों लोगों ने खाता खुला है, फोटो लगे मिल गया रहा खाता, वो किताब ले ली नहीं है, पासबुक और रजिस्टर ले ली है। अच्छा, पासबुक भी ले ली है, रजिस्टर भी ले ली है। हाँ, रजिस्टर ले ली, किताब भी ले ली, और कह रही है कि मीटिंग हम करेबा, हमारा काम है मीटिंग कराना, तो समूह सखी का काम होता है मीटिंग कराना। नहीं, ये समूह की सारी महिलाएं मिलकर खुद मीटिंग करती हैं। हाँ, की लेखकपाल वो लिखती हैं, अध्यक्ष, सचिव, कोषा अध्यक्ष मिलकर जो भी निर्णय लेना होता है समूह में वो लेती हैं। हाँ, तो यही हम दीदी कह रहे, तो वो नहीं मानी, किताब हमको नहीं दिया, और एक दिन इतवार हम गैप कर दिन, रविवार में यहाँ दूसरे दिन कराई नहीं आए, कहीं रहे मीटिंग। अच्छा, सब अपने पास रखे हैं। अच्छा, आप लोग जो मीटिंग करती थी, बचत कहाँ है आप लोग का? जो बचत कोषा अध्यक्ष, कोषा अध्यक्ष तीर रखी जाती थी, वो आप बचत ले जाती हैं समूह सखी अपने घर। तो आप लोग बोलती नहीं कि आपका बचत है कि आप ले जाओगी? बचत तो हम लोग का है ना, हम लोग अपना लेन देन करेंगे। तो हम कहे ना, हम लोग अपना लेन देन करेंगे, बचत हमारे पास रही, तो कहीं यहाँ बचत है, सब हमारे तीर रही, पैसा हमारे तीर रही, लिए चली गई। तम आप लोग दी क्यों? आप लोग को देना नहीं चाहिए ना उनका मतलब? नहीं दीदी, नहीं दे रही, तो उसमें की जोनी 12 औरतें थी, उसमें की आधी उसने फोड़ लिया, बहका दी आधी, कहीं हाँ, तो वही आधी उनके तरफ बोले, आधी हमरे तरफ बोले, तो वही लिए चली गई, कहीं नहीं आधी जो वहू कही है तो दीबा, मगर वैसे हम ना दीबा, हम अपने पास रखीबा। नहीं तो समूह सखी इसमें कुछ इंटरफेयर करना ही नहीं था, ये तो समूह की सारी महिलाएं बैठ के मीटिंग करेंगी। हाँ। अपने में डिस्कस करेंगी कि क्यों दीदी को जरूरत है उनको देना है और कौन दीदी को नहीं जरूरत, नहीं देना, आपस में समझेंगे ना समूह। हाँ, आपस में हम लोग मिलजुल के करते, तो कहे ना हमारे बिना पैसा, समूह सखी दीदी जाती तब पैसा निकलत, की वो तीनों लोग जाती तब निकल थी पैसा। समूह सखी का इसमें काम नहीं है, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष लेखपाल से अपना प्रस्ताव लिखवा कर बैंक में जाकर पैसा निकासी कर सकते। हाँ, यह बताया रहन तो कहे ना बिना हमारे साइन किए पैसा नहीं निकली। अच्छा, और वो जो प्रस्ताव लिखने का तरीका प्रेरणा टीवी चैनल पर इसीलिए हम दे रखे हैं, किसी समूह सखी के चक्कर में ना पड़िए। आप लोग अपना प्रस्ताव हमारे चैनल पर देख के लिख सकती हैं, जो भी प्रस्ताव लिखना हो। अच्छा हाँ, तो अभी रजिस्टर किसके पास है? रजिस्टर वो भी लिए चली गई है, और पासबुक वो भी लिए चली गई।
आपने क्या ब्लॉक पे सूचना दी? पैसा भी सब ले, ब्लॉक में सूचना दी दी अभी नहीं दी है हमने, अच्छा, और पैसा सब कहाँ है? पैसा सब समूह सखी के पास है। अच्छा, तो इस बात की कंप्लेन आप जाके ब्लॉक पे दीजिए, ब्लॉक ब्लॉक पर, अपने ब्लॉक पर। हाँ, हम जाके बोलिए कि सारे पैसा जो हमारा समूह सखी उठा ले रही हैं, और रजिस्टर आप लोग अपना, आप जो महिला उनके पास गई उनको समझा कर मिला के इधर लाइए, और बोलिए हम लोग का पैसा है, हम लोग लेन देन करेंगे, आपको पैसा क्यों देंगे? आपका काम है, समूह हाँ सखी का काम है, बस समूह बना के छोड़ देना है, सुनो, उनको जो दिक्कत हो रहा है उनको बस सहायता करना, ये थोड़ी ना कि रजिस्टर पासबुक सब कुछ अपने पास लेके रख लेना है, मालिक हाँ तो वो थोड़ी सब ना है। लेकर रख लीन। नहीं, ये रजिस्टरों का मालिक समूह है, समूह की सारी महिलाएं हैं, लेकिन समूह सखी की मालिक नहीं होती है। और दिक्कत दीदी? और दिक्कत कोई नहीं है, यह दिक्कत है तभी भैया से ने सर्ज करवाए रहे तो हमके बताए दी। सब नहीं, ठीक किया आपने। जगह दीदी गल्ला आएगा समूह के, और हमरे समूह कुछ नहीं, नहीं दीदी, समूह में गल्ला वाला नहीं आ रहा है। समूह के गल्ला वो जो बच्चन वाली औरतन बटती हैं। हाँ दीदी सुनिए, वो जो है ना वो हाँ पोषा आहार है, जो पहले जो अच्छा। आंगनबाड़ी में दीदियां बांटती थी, अब ये समूह की महिलाएं बांटेंगी। तो हाँ वहाँ हमरे सुनिए, यहाँ नहीं आया है, हम लोगों ने समूह नहीं आया। हाँ सुनिए दीदी, वो हर समूह की महिलाओं को नहीं मिलना है ना, हाँ एक ही समूह की महिलाओं को मिलेगा, और उसमें सिर्फ अध्यक्ष सचिव ही जो है कि लाकर अच्छा काम करेंगी, उन समूह की महिलाओं को भी कोई काम नहीं इसमें करना है। वो एक समूह का फॉर्म आया होगा, वो दीदी लोग फॉर्म भरी होंगी तो उन लोग के नाम से आया होगा, और उसमें अध्यक्ष अच्छा सचिव कोषाध्यक्ष जाके लाकर पोषाहार तैयार करके गेहूं और वो कोटेदार के यहाँ से गेहूं चावल लाएंगी, और चने का दाल मंगाकर वो बनाकर जो है कि देंगी। अच्छा हाँ, उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, वो तो जो हो रहा था आंगनबाड़ी में दीदियां दे रही थी, अब ये पोषाहार तैयार करके समूह की महिलाएं देंगी, इसमें ये राशन नहीं है। ठीक है, वो कोटेदार के यहाँ से लाकर फिर वो समूह की महिलाओं को वितरण करेंगी, जो भी दीदियां हैं, जैसे आंगनबाड़ी में बटता बता था ना, अब वो हाँ उसी में आंगनबाड़ी में करेंगी। यहाँ आता रहे तो वो है आंगनबाड़ी का ही, समूह तो दूसरे लोग करे हैं, हाँ उनके तो में यहाँ वही आवा चीज है है, गेरा वही गेरा चीज है, कुंटल। उससे कोई दिक्कत नहीं दीदी, जैसे वो आंगनबाड़ी से मिलता था ऐसे इसमें से आप लोग को मिलेगा, अभी तो आया अच्छा है ना, अभी तो उसका पोषाहार बनाएंगी वो लोग, तब ना वितरण करेंगी। हाँ, ये सारे समूह में नहीं आएगा, एक ही समूह का फॉर्म जाता है, फॉर्म अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष निकासी करके काम करती हैं, उसमें भी पैसा। अच्छा हाँ ठीक हाँ है, और कोई परेशानी दीदी? और कोई परेशानी नहीं, यह है परेशानी जितना भर किताब उताब सब रजिस्टर सब लिए चली गई। हाँ तो लिए चली गई, तो आप लोग सब लोग जाके रजिस्टर मांग के लाए, कि है हमारे समूह का रजिस्टर आप कैसे रख सकती हैं, कहते हैं हम नहीं देंगे, नहीं देंगे कैसे आप लोग, कहते हैं हम नहीं देंगे, आधी लोग कह रही हैं कि उनके पास रहा है, आधी लोग हमारे पास कह रही हैं तो हम रखेंगे सबकी। आठ कहते हैं, आठ समूह हम बनाए हैं ना, आठों कह रहे हैं किताबें और सब हमारे तीरा हैं, कोई योजना आई तो हम चालू तो करीबा। अच्छा वो बोलती है आठ समूह बनाए, आठों समूह का रजिस्टर हम ही रखेंगे, पासबुक हम ही रखेंगे, हाँ सब अपने रखे हैं, पूरी उन मालिक है पासबुक क्या है सबकी, अपना रखे हैं, वो सारे समूह की मालिक वो लिखे क्या? अच्छा कहाँ मालूम दीदी, मालिक होबे करिए, तब तो सब आठों के रिलाई रहा है मीटिंग पर, तो सबको सबकी पासबुक रखे, पासबुक है दिखाई रही रहा है। अच्छा सबकी मालिक हो गई है सब समूह से। हाँ समूह सखी, तो ठीक है, जो भी आपकी और भी महिलाएं हैं समूह की, आप एक बार उनको इकट्ठा कीजिए, फिर हमसे कॉल कीजिए, उन लोग को समझाते हैं। जैसे आपने कॉल किया तो और सारी महिलाओं की पहले बैठाइए, बोले दीदी से बात करनी है। ठीक है, हम इसकी कंप्लेन देते हैं ऊपर। हाँ, हाँ ठीक दीदी ना, आप लेकिन अपने हमारी बॉस पर भाभी जाकर क्या, सीआईपी हैं, हमारी जो नी भाभी हैं वो सीआईपी हैं, अच्छा सीआरपी है, उन हाँ उनसे हम समूह सखी से बात कराएं तो हमारी भाभी कहें तुम लेखा जोखा करो, तुम ना रजिस्टर ले जा सकती हो, ना तुम पैसा ले जा सकती हो, ना पासबुक ले जा सकती हो, तुमको होती ले वाली, हाँ सही तो वो बोली कही, वो, तो वो बोली नहीं ये दीदी तुम्हारे यहाँ चलता होगा, हमारे यहाँ नहीं चलता, हमारे पास सबूत कौन है हम समूह सखी हैं। नहीं, ऐसा दीदी नहीं, ये बात सही उन्होंने बताया, ये सब आप लोग के पास रहेगा, समूह सखी के पास नहीं रहेगा, अरे यहाँ हाँ माने ये सब जगह ये नियम है, समूह सारी महिलाएं बनाती हैं, उनके पास रजिस्टर रहता है,
पासबुक रहता है और निकालने वाली अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष करती है हाँ और प्रस्ताव लेखपाल लिखती है जो समूह की बीच में। तो यह बताई ना है तो बहू ना सोचिन कुछ हुई खूब गुस्सा नहीं बैठी लेकिन किताब और रजिस्टर और सब चली गई कर लिए। और पैसा सब कहाँ है आ? पैसा पैसा अभी अभी तो आवा ना है जमा करी नहीं दो बार जमा करी कहाँ जमा की है। हेलो 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 हाँ कहाँ जमा की है पैसा पैसा हुआ बैंक में ढकेरवा बैंक में इलाहाबाद। तो बोलिए बैंक में क्यों जमा करना पैसा हम लोग को जरूरत है तो हम बैंक में जमा करेंगे तो हमारे जरूरतें कैसे पूरा होंगी हम लोग बचत कर रहे हैं जरूरत पूरा करने के लिए कि बैंक में जमा करने के लिए। वही कहते हैं बैंक में यहाँ जमा हुई नहीं नहीं बैंक में नहीं जमा करना वो आपस दो रुपए लगा के आप लोग लेन देन कर सकते हैं। और वो पैसा जो नावत मीटिंग कर तो जमा ना करी बैंक में बैंक में नहीं करिए दीदी। अगर आप लोग कितने का बचत करती हैं बचत दीदी हो गई है हमारी 2370 की। आज हर हफ्ते की बैठक की कितनी बचत करती है सीमा 1200 रुपया पहले ले ली है ना है समो सखी तक फिर ले गई हमसे पैसा फिर ले गई है 1000 तक फिर मीटिंग केयर भेर है वो ले गई है तुम्हारा सब 2300 पहले भरा फिर दो मीटिंग केयर ले गई। समो सखी का क्या नाम है दीदी खुशबू खुशबू और क्या आगे टाइटल क्या है उनका अरे आगे आगे नाम ना पता है दीदी छोटू छोटू उनके आदमी के यहाँ कहा थी ना। अच्छा समूह से नाम मालूम करके बताइएगा। अच्छा ठीक है बताइएगा। नहीं नहीं आप जाके तुरंत उनको आप उनको जाके सभी लोग अग्री कीजिए पहले हम लोग का रजिस्टर है नहीं देते हैं तो आप लोग ब्लॉक पे सूचना दीजिए इस बात की कि हमारा अच्छा। सारा पैसा लेके बैठ गई है। हाँ बैठे तो जेबे कर है सारा पैसा लेके तो आप लोग को पैसा नहीं मिलेगा। हाँ नहीं मिली पर वो काम करती है तो उनको मानदेय मिलता है उनको उसका पैसा मिलता है। मालिक थोड़ी ना कि पूरे समूह को रजिस्टर वो कहते हैं हम गाड़ी से ना जाई थी डीजल ना लगन पेट्रोल ना लगाई थी तो उसको सरकार पैसा देता है ना। हाँ तब वो सरकार पैसा देता तब वो तो कह रही हेलो हेलो। हाँ दीदी बोलिए। हाँ तो सर कहते हैं हमारा पेट्रोल नहीं लगता है हम खर्च नहीं करते हमारे पास कौन सबूत है जो हम किताब ताब ना रखे तो कि ऐसा कहिए ना कि आप मत लगाइए ना पेट्रोल तेल आप अपने घर में बैठिए। हाँ कहते हैं हम दौड़ी तो ना है अब छोटे छोटे बच्चे डायरेक्ट दौड़ती है तो उनका पैसा भी तुमको सरकार देता है वो फोकट में थोड़ी ना दौड़ती है वो जो दौड़ती है काम करती है उनको सरकार मानदेय देता है। वह भाभी हमारी सीआईपी है तो वो हमसे बता रही कि जब किताब नहीं दिया है और रजिस्टर नहीं दिया है तो अपना नाम कटा लो नहीं तो बहुत परेशानी में फंस जाइए। हाँ सही बोल रही थी लेकिन नाम नहीं कटाना है दीदी समूह को चलाना है आप लोग जाइए उनके घर में घुस कर रजिस्टर मांग के लाइए कैसे नहीं देंगी दे रही है वो। हाँ वो देती नहीं बहुत झगड़ा करती है। अरे झगड़ा तो आप लोग इतनी लोग कम झगड़ा कर पाएंगे जाइए चपिए और रजिस्टर मांग के लाइए एकता में बड़ी शक्ति होती है अगर आप लोग इसी तरह डरेंगे तो सारे समूह सखी लोग तब तक आप लोग पे हावी हो जाएंगे तब तो। हाँ तो हावी तो हो जाएंगे। हाँ तो आप लोग एकता बनाइए अपने हस्बैंड लोग को सबको साथ में लेके उसके घर पे जाइए बोले हमारा रजिस्टर दीजिए हमारा पैसा दीजिए। और पैसा दीदी वो जो बचत वाला है तो वो मैं जमा ना करी पा बैंक में नहीं पहले आप पासबुक मांगिए अपना उसमें जमा वो खा जाएगी आपको पता भी नहीं लगेगा। पासबुक अपना मांग लीजिएगा और नहीं देंगे तो जाके बैंक में पता कीजिए पासबुक में कितना पैसा है कितना नहीं है और नहीं देती है तो लोग पर कंप्लेन कर दीजिए। अच्छा भाई बात तुमसे बताई तरह भाई ठीक है। हाँ ब्लॉक में है ना। हाँ ब्लॉक पे जाके इनकी सारी शिकायतें रखिए और वो लोग रजिस्टर दिलवा देंगे। अच्छा मदद करेंगे ब्लॉक वाले आपकी मदद करेंगे ठीक है दीदी। ठीक है हाँ उनकी शिकायत जितनी भी आप लोग को दिक्कत है वहाँ पे जाके नहीं अच्छी हमारे समूह चल रहा है दीदी सबका बुला के मीटिंग कराई था बहुत अच्छा चले लग रहा है। तो अब रजिस्टर ले लिया ना पैसा भी ले ली रजिस्टर भी ले ली पासबुक भी ले ली अब अच्छा नहीं ना रहने देंगी। हाँ वो अच्छा नहीं चले दिया अपने पास सब लिए चली गई हम लोग रोवंधे वहाँ से चले आए मीटिंग करेंगे रहे। हाँ तो आने दीजिए आप जाइए वहाँ ब्लॉक पे कहिए हमारा रजिस्टर हमारा पैसा हमारा पासबुक सब लेकर बैठी है।
हाँ सब लेके बैठी। हाँ, सारे समूह की महिला, आपके समूह ने दूसरे समूह का भी लिया ना, सारे हाँ समूह की महिलाओं को इकट्ठा कीजिए कि अपना अपना रजिस्टर सब लोग अपने अपने घर पे लाओ। तुम लोग का समूह, तुम लोग अपने अपने घर पे रजिस्टर रख के मीटिंग कराओ। हाँ यहाँ ही हम कहीं तो रहा था, वो लोग मानता ही नहीं। तो वही सब नालायक है, हम लोग का नालायक। आधीन दीदी वो बकाए दी थी वो कि ऐसा है दीदी ये ना, वो कुछ बातें उनकी समझ रही हैं, कुछ आपकी समझ रही हैं, तो कोशिश हाँ करिए हो जाएगा, ठीक है। और हाँ सबको लोगों को समझाइए, नहीं समझ में आ रहा है ना तो मेरे टीवी मेरे चैनल को सब्सक्राइब दीदी कर लीजिए, और उनको नहीं हाँ समझ में आता है, हम लोग समूह से जुड़े हैं, इस समूह के बारे में हमेशा जानकारियां देते रहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी दीदी आपके समूह में है, नहीं समझ में आ रहा, बोले कि चलिए प्रेरणा टीवी चैनल पे एनआरएलएम के थ्रू जो भी चलाई जा रही है स्कीम, उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। आप लोग आके चैनल पे हमारे पूरी जानकारियां पाइए कि कैसे क्या समूह चलता है, क्या मीटिंग होती है। अपने ये है तो पैसों की अभी। सुरक्षा आप लोग को स्वयं करना है, अपना बचत करना है तो बचत की सुरक्षा भी करना है। हाँ अब बचत वाला पैसा दीदी एक बार खुलवाई दो, जमा हो जाती खाता में यहाँ 1200। ऐसा खाता खुलवाने के लिए 1000 लगता है तो हाँ आपके, लेकिन आपके पास पासबुक है ही नहीं, तो आपको कैसे मालूम होगा कितना जमा है नहीं जमा है। हमका कैसे मालूम, जब पैसा दिए तो हमसे 1200 ले गई और 1000 चढ़े हैं, पासबुक देखे रहा ना। 1000 तो 200 कहाँ है। 200 कहते हैं कि मोहर मिली है और घूस दी हम 100 रुपया, तब खाता से खुलवाए पान अच्छा, घूस कदा अपने खाई है कि घूस दी है। कहते घूस दी है ने। 100 रुपया मोहर का लग गया होगा, 100 रुपया अपना ले ली होगी, और पैसा। और 1000 बताती जमा। अरे तो 1000 जमा हो गया, 100 रुपया का मोहर हो गया, और पैसा आप कहीं से बोल रही है ना। और पता नहीं जमा करी नहीं या नहीं जमा करी नहीं, अब वह तब मालिक है या खाए गई है सब, मुया दिए गया सब लिए चली गई रहा। नहीं तो अपने रजिस्टर को मांग के लाइए, चेक कीजिए समूह में कितना पैसा है, पासबुक में कितना पैसा है, और अपने कार्यवाही पे लिखिए कि 1000 जो है हमने खाते खोलने के लिए बैंक में जमा किया है, और जितना मोहर के लिए दी इतना मोहर में के लिए मुख्य चर्चा जो रहता है उस पर आप लिख दीजिए कि हम लोग खाता खुलाते समय 1000 रुपया लगा है, अच्छा और रजिस्टर मांगेंगी तभी तो लिखेंगी। तो दीदी ये सब इलाके में बताइए। हाँ हाँ, आपका ऐसे आप अपने ब्लॉक पे गएंगे तभी ना वहां से इंक्वायरी आएगी, जांच होगी। हेलो, हाँ दीदी होगा होगा कार्रवाई, आप लोग धैर्य रखिए और जाके पता कीजिए, हो जाएगा काम। अच्छा ठीक है, नमस्ते। नमस्ते।